लाइक नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे कि हम कैसे लैपटॉप की हार्ड डिस्क का डाटा डेस्कटॉप में कॉपी करते हैं। ये हार्ड डिस्क है, ये आप देख रहे हैं, ये साथ में केसिंग होती है जो आपको दिखाई जा रही है। लैपटॉप ये केसिंग होती है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम मार्केट से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ये 200-250 रुपये के करीब आती है, ये ऐसी अच्छी कंपनी लेने तो महंगी होती है। साथ में इसके USB केबल होती है, इसको आपको कंप्यूटर में लगाना होता है। तो दोस्तों ये USB केबल है, एक इसके साथ लग जाएगी, एक बैकग्राउंड में लग जाएगी, फिर इसे डाटा हम कॉपी करते हैं। तो अभी आप हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद इसको हमने कंप्यूटर में लगाना है। जैसे ये कंप्यूटर है, आप देख रहे हैं, यह कंप्यूटर है हमारा। तो इसमें हमने अभी डाटा कॉपी करना है इसका, तो सभी ने वेट करना है कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमने हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर दिया है, इसमें लाइट भी आ रही है, और अब आप देख सकते हो ये कंप्यूटर में आ गई है। तो कंप्यूटर में आप देखोगे, तो ये कंप्यूटर में आ रहा है, ये आपने देखा है, इसका पेज खुल गया है। तो अब इससे हम कैसा डाटा कॉपी करेंगे, अभी सभी ने ध्यान से देखना है। थोड़े मैं इसके आइकन बड़े कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए सही से। तो ये देखो, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कैसे लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है। अब इससे हमने डाटा कॉपी कैसे करना है, तो सबसे ध्यान देखना है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसमें मैनेज पर जाना है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज इसके ऊपर जाना है। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट में आप नीचे वाला ड्राइव चेक करोगे तो नीचे वाली हार्ड डिस्क जो है ये है। तो दोस्तों इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी हार्ड डिस्क हमारी है और कौन सी लैपटॉप की है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जो उसका स्पेस है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, और जो दूसरी है तो इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये 500 GB की हार्ड डिस्क है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखना आप। तो इसमें लिखा हुआ है 500 GB, और हमारी जो लगी है वो 320 है। तो दोस्तों हमें इसका जो डाटा है वो कॉपी करना है। कैसे हम डाटा कॉपी करते हैं, इसमें सिर्फ दो ही ड्राइव है और हमारे में जो है 3-4 ड्राइव है, और फिर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। तो इसमें जो दो ड्राइव हैं वो इसके हैं, तो हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी लैपटॉप की हार्ड डिस्क है और कौन सी हमारी है। तो ये जो ऊपर वाली है ये हमारी हार्ड डिस्क, हमारे 4 ड्राइव हैं, इसके 2 ड्राइव हैं, एक इसका रिजर्व होता है, तो इसको हमने ओपन कर दिया। तो इसका जो हमारे हमने डाटा कॉपी करना है, डाटा कौन सा कॉपी करते हैं, डाटा कॉपी करने के लिए हमें जो होता है माई डॉक्यूमेंट वगैरह में, जैसे डेस्कटॉप का डाटा कॉपी करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये है, ये मान लो कि हमारा सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि अपने इसके अंदर विंडो होती है, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एच ड्राइव है, एच ड्राइव जो है इसका सी ड्राइव है, एच ड्राइव जो है इसका सी ड्राइव है। तो इसको हमने कैसे करना है, इसको ओपन करना है। इसके बाद हम कैसे पता करें कि इसका डेस्कटॉप का डाटा जो कहाँ होगा, ये तो यूज़र में आपको चेक करना है। यूज़र में जाकर आपको डेल, ये इसका यूज़र है, ये आप देख सकते हैं ये किसी के डॉक्यूमेंट पड़े हैं, तो इसका अर्थ है कि ये डाटा है। इसको क्या करना है, हमने सारे को कॉपी करना है। जैसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी की कमांड तो आप डाल जानते हो, तो इसको हमने कॉपी किया है और इसको हमने यहीं पर पेस्ट कर लिया न्यू फोल्डर। तो इसमें क्या करते हैं हम, कैसे हमने इसका अपने देखा कि हमने इसमें यूज़र बनाया है माई कंप्यूटर के ऊपर, ये हमने यूज़र बना लिया न्यू फोल्डर करके। अब ये न्यू फोल्डर 5 है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये जितने भी डेस्कटॉप का डाटा है,
या तो आप अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, या तो जिसका डाटा उसी के कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने देखा कि डेस्कटॉप हमने कैसे किया अपने डेस्कटॉप के अंदर, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम उसके लैपटॉप में कैसे कॉपी करेंगे। तो लैपटॉप में जो आप देख रहे हैं ये जो डाटा है आपका, जैसे एच ड्राइव का था, तो हमने इसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे हमने रख दिया न्यू फोल्डर, स्किप, कुछ फाइल जो इसकी जैसे कुछ मांग रहे हैं कि कॉपी नहीं होगी तो हमने वो मिस कर दिया, तो क्योंकि वो टेम्परेरी फाइल होगी कुछ ना कुछ। तो आपने देखा कि जैसे हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, ये इसका जो है डी ड्राइव है, इसके अंदर हमने फोल्डर कॉपी किया है न्यू फोल्डर टू। तो न्यू फोल्डर टू के अंदर हमने इसका डाटा कॉपी कर दिया, ये इसका जो डाटा था वो माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप का डाटा था। तो यही इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो हम कॉपी करते हैं, बाकी अगर अपर का ड्राइव एक ड्राइव है तो एक ड्राइव का जो डाटा होता है सारा कॉपी करना पड़ता है डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट का। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आपने इसको कॉपी किया है, इससे कॉपी करने से क्या होता है कि आपका कुछ भी जो फाइल होती है वो वहाँ पर नहीं रहती है और बिल्कुल आपके सिस्टम में सेव रहती है। ये देखो हम कैसे पूरा डाटा कॉपी करते हैं, मान लो कि हमारा एक ड्राइव है तो हमने कैसे पूरा डाटा कॉपी करना, ये उसका सी ड्राइव है जिसका भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है। ऐसे ही डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क का कॉपी करते हैं, लैपटॉप की हार्ड डिस्क का कॉपी करते हैं। आपने क्या करना है कि यूज़र फाइल में जाना है और डेल, ये इसका यूज़र है, इन यूज़र को चेक करना है कि इसके अंदर कहाँ पर डाटा है। जैसे ये हमने डेस्कटॉप पर चेक किया, ये किसी के पासपोर्ट पड़े हैं, तो इसके अंदर इसका अर्थ है कि इसके अंदर इसका डाटा है। तो आपने क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी कर लेना है। इससे क्या होता है डेस्कटॉप का पूरा कंप्लीट डाटा आ जाता है, डाउनलोड का पूरा आ जाता है, जितना भी होता है वीडियो पिक्चर सारे आ जाते हैं। तो ऐसे हम इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट करते हैं। वो तो आपने सीख लिया है। तो आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लैपटॉप का डाटा, अगर मान लो कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो विंडो करप्ट हो गई है, इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम आई वो विंडो की आई है, अगर विंडोज़ करप्ट हो जाती है या विंडोज़ नहीं चलती है तो उसके द्वारा ना हम डाटा कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो आपको दिखाया गया है कि आपने पहले हार्ड डिस्क केसिंग लेनी है लैपटॉप की, अगर लैपटॉप है तो, अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की ले लो, डेस्कटॉप की तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको लगाने के बाद आपने सी ड्राइव को ओपन करना है जिसके अंदर विंडोज़ होती है।